नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीएसईबी ने डीएलएड में एडमिशन की बढ़ाई तिथि, जल्द हो सकता है नगर निकाय चुनाव। बिहार सर्किल कबड्डी की महिला व पुरुष टीम घोषित। सोनपुर मेले में मशहूर बॉलीवुड सिंगर ने छेड़ा सुरों का जादू। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सोनपुर मेले में मशहूर बॉलीवुड सिंगर जॉली मुखर्जी ने छेड़ा सुरों का जादू। बीते दिन गुरुवार को विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में मशहूर बॉलीवुड सिंगर जॉली मुखर्जी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सुरों का जादू छेड़कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बता दें कि जॉली मुखर्जी के साथ उनकी पूरी टीम मेंबर सोनपुर मेले में पहुंची थी। इस दौरान उनके गानों को सुनने के लिए पर्यटक विभाग का पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ रहा। इसके अलावा लोग सड़कों पर भी खड़ा होकर उनके गानों का आनंद लेते नजर आए। जानकारी के लिए बता दें कि जॉली मुखर्जी ने इस कार्यक्रम में अपने गानों की शुरुआत खुद के गाए अपने सुपरहिट गाना यम्मा यम्मा यह खूबसूरत समा से की। बीएसईबी ने डीएलएड में एडमिशन की बढ़ाई तिथि। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड के 2022 से 24 के सत्र को लेकर एडमिशन की तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार छात्र 23 नवंबर तक एडमिशन ले सकते थे, जिसे बढ़ाकर अब 26 नवंबर कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छात्रों के एडमिशन को लेकर प्रशिक्षण संस्थान अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहीं छात्रों से निर्धारित राशि से 3000 ज्यादा रुपए की मांग की जा रही है। इसी को देखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एडमिशन लेने की तारीख में परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही समिति की ओर से एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिसमें जाकर छात्र संस्थानों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पटना में 27 नवंबर को होगा हाफ मैराथन का आयोजन। बिहार की राजधानी पटना में 27 नवंबर 2022 को नशा मुक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस आयोजन की ब्रांड एम्बेसडर धाविका हीमा दास होगी। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इसके साथ ही इस हाफ मैराथन में कई नामचीन खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज जैसे नाम शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मैराथन में करीब 7000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं इसकी तैयारियों को लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि के द्वारा बीते दिन समीक्षा बैठक की गई। अगले हफ्ते हो सकता है लालू का किडनी ट्रांसप्लांट। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं, जहां उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हालांकि लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के प्रत्यारोपण की तिथि डॉक्टरों के द्वारा उनके स्वास्थ्य औपचारिक प्रशिक्षण के बाद ही की जाएगी, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार लालू यादव का ऑपरेशन 29 या 30 नवंबर को हो सकता है। इस दौरान सिंगापुर में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद होंगे। इसके अलावा सिंगापुर जाने वालों में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीशा भारती और पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अपनी किडनी डोनेट करेंगी। जल्द हो सकता है नगर निकाय चुनाव। हाईकोर्ट ने जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने अंजू कुमारी व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य के नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को 1 दिसंबर 2022 को कोर्ट में तलब करते हुए उनसे यह जानना चाहा है कि जब राज्य में नगर निकाय के विघटन की अवधि 6 माह से ज्यादा हो गई है, तो किस कानून के तहत एडमिनिस्ट्रेटर निकायों में कार्य कर रहे हैं। कोर्ट को राज्य सरकार के अधिवक्ता किंकर कुमार ने बताया कि डेडिकेटेड कमीशन का गठन हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कर दिया गया है। उसकी रिपोर्ट आते ही राज्य में नगर निकाय का चुनाव करा लिया जाएगा। बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पहले नगर निकाय का चुनाव हर हाल में करा लेना चाहिए। इसके बावजूद अभी भी उन नगर निकायों में एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। बिहार के विधायकों को मिला नया आवास। बिहार में कुछ दिनों पहले हुए मोकामा और गोपालगंज के विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें जीत हासिल करने वाले विधायकों को विधानसभा सचिवालय के द्वारा आवास आवंटित कराया गया है। इसे लेकर उपनिदेशक संजय कुमार सिंह के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि मोकामा सीट पर जीत हासिल करने वाली महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम देवी को 18A आवास आवंटित कराया गया है। वहीं गोपालगंज की सीट से जीत हासिल करने वाली कुसुम देवी को 21 होर्डिंग रोड आवास दिया गया है। इनके अलावा अन्य विधायकों वीरचंद पटेल में आवास आवंटित कराया गया है। सहरसा और पूर्णिया कोर्ट के बीच चलेगी नई ट्रेन।
शनिवार से बिहार के सहरसा और पूर्णिया कोट के बीच रेलवे के द्वारा नई ट्रेनें शुरू की जा रही है, जिसमें से एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन सहरसा से पूर्णिया कोट के बीच चलाई जाएंगी। जानकारी के लिए बता दें कि सहरसा से पसानगेर स्पेचिया ट्रेन गाड़ी संख्या 05540 सुबह 9:45 खुलेगी और 12:40 तक पूर्णिया कोट स्टेशन पहुँच जाएगी। बताते चले कि ट्रेन को लेकर पहले जो अधिसूचना जारी की गई थी उसके अनुसार पूर्णिया पहुंचने का समय 12:20 बताया गया था, जिसके बाद अब पूर्व मध्य रेल के CPTM द्वारा जारी पत्र के अनुसार समय में बदलाव करते हुए 12:40 कर दिया गया है। इस ट्रेन की शुरुआत होने से यात्रियों को सफर में काफी राहत मिलेगी। भागलपुर के 12 जगह दिखेंगे टूरिज्म मैप पर। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार के पर्यटन स्थलों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज यानी शुक्रवार को इस बात की घोषणा की गई कि भागलपुर के 12 चिन्हित जगहों को पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग की बैठक में मुहर भी लगाई जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से इन 12 स्थानों को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए फाइल तैयार कर लिया गया है और इसे मुख्यालय भी भेज दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्यटन स्थल को 3 ग्रेड में रखा गया है, जिसमें 1 ग्रेड में विक्रमशिला महाविहार, श्वेतांबर जैन मंदिर, पीताम्बर जैन मंदिर, बटेश्वर स्थान और अजयगिरी नाथ मंदिर है। वहीं बी और सी ग्रेड में कर्णगढ़ सुल्तानगंज स्थित नमामि गंगे घाट व कहलगांव, 3 पहाड़ और सहकुंड पहाड़, जगतपुर झील, महाशय ड्योरी दुर्गा मंदिर व चंपान नगर विषहरी मंदिर को शामिल किया गया है। बिहार सर्किल कबड्डी की महिला व पुरुष टीम घोषित। 31वीं सीनियर राष्ट्रीय सर्किल कबड्डी चैंपियनशिप को लेकर बिहार सर्किल कबड्डी टीम की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ में 28 से 30 नवंबर तक हो रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि पुरुष वर्ग में जिनका चयन किया गया है उनमें आदित्य कुमार सिंह कप्तान, विघ्नेश्वर प्रकाश, ज्ञानेश्वर प्रकाश, नारायण आकाश शर्मा, सुजल सिंह, अमरजीत सिंह, गुलशन अनुज, ओम सम्राट और सनी कुमार शामिल है। इसके साथ ही महिला वर्ग में जिन खिलाड़ियों का चयन किया गया है उनमें सुषमा कुमारी कप्तान, अर्चना कुमारी, शिवानी कुमारी, सिमरन, पूजा कुमारी, कोमल कुमारी, मनीषा कुमारी, मुस्कान कुमारी, सिवली दीक्षा कुमारी, सिमरन सिन्हा और गुड़िया कुमारी शामिल हैं। लालू ने तय की राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा राजद की नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर मुहर लगा दी गई है। बता दें कि अब नव निर्मित राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होंगे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और शिवानंद तिवारी समेत पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि राबड़ी देवी और शिवानंद तिवारी पहले भी उपाध्यक्ष के रूप में पार्टी में रह चुके हैं। वहीं देवेंद्र प्रसाद यादव और उदय चौधरी का उपाध्यक्ष के रूप में यह पहली बार है। इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रधान महासचिव के रूप में चुना गया है। बताते चले कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 24 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें 4 उपाध्यक्ष, प्रधान महासचिव समेत 10 महासचिव, 12 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष शामिल है। प्रशांत किशोर का लालू यादव पर तंज। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपने जन स्वराज पदयात्रा के दौरान बीते दिन गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शुरुआत सालों में सामाजिक न्याय के नाम पर जरूर समाज के पिछड़े लोगों को उनकी आवाज मिली हुई है और इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए लालू का सम्मान भी किया जाना चाहिए, लेकिन लालू की यह अज्ञानता मान लीजिए या चालाकी, जिस समाज को उन्होंने आवाज दी उन्हें शिक्षा नहीं दी। उन्होंने कहा कि लालू जमीन भूमि सुधार लागू करके भूमि नहीं दिए, उस समाज के पास कभी पूंजी था ही नहीं, तो वो लोग पिछड़े वंचित ही रह गए। वे सभी लालू के समर्थन में आवाज लगा सकते हैं, लेकिन लालू के बराबरी में उनके बच्चे कभी नहीं बैठ सकते। RSS चीफ मोहन भागवत आज से 4 दिन बिहार दौरे पर। आज यानी कि शुक्रवार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघचालक मोहन भागवत बिहार दौरे पर है। बता दें कि इनका ये दौरा 4 दिवसीय दौरा है। मिली जानकारी के अनुसार मोहन भागवत इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें वो 26 नवंबर को सुबह पटना से बक्सर जाएंगे और वहां संत स्वर्गीय मामा जी के पुण्य स्मरण में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वे 27 नवंबर की सुबह छपरा के लिए रवाना होंगे, जहां वे मलखाचक में स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भगवान सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 28 नवंबर की सुबह संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर दरभंगा के लिए प्रस्थान करेंगे। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष की अटकलों पर लगा विराम। बीते दिन गुरुवार को आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह लालू यादव से मिलने उनके दिल्ली आवास पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान करीब 90 मिनट तक लालू यादव, तेजस्वी यादव और जगदानंद के बीच बातचीत चलती रही। वहीं इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह लालू यादव के बातों को मान गए हैं और अब वे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जल्द ही बिहार वापस आकर पटना के राजद कार्यालय में उपस्थित होंगे। बताते चले कि पहले यह बात चल रही थी कि बेटे सुधाकर सिंह के मंत्री पद से इस्तीफा देने के
बाद जगदानंद सिंह लालू यादव और आरजेडी से नाराज चल रहे थे और करीब डेढ़ महीने तक राजद कार्यालय नहीं पहुंचे थे। न्यूजीलैंड ने पहले वनडे में भारत को 7 विकेट से हराया। आज खेले गए भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में कीवी टीम यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के खिलाफ 7 विकेट से जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैच की सीरीज में 1-0 की अपनी बढ़त बना ली है। बता दें कि भारत के द्वारा टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का चयन लिया गया जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के सामने 307 रन का लक्ष्य रखा था। इसके जवाब में कीवी टीम ने 47.1 ओवर में 3 विकेट खोकर 309 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं न्यूजीलैंड की ओर से केन विलियम्स और टॉम लाथम ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने 221 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिलाई। वहीं अगर भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो भारत में श्रेयस अय्यर, शिखर धवन और शुभमन गिल के अर्धशतक के चलते 7 विकेट खोकर 306 रन बनाए थे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शंकर मुखिया, धनंजय सिंह, कुलदीप कुमार, रविशंकर, नुन्नू गोलू कुमार, कविता कुमारी, मोहम्मद अजमेर, सिफोन कुमार, बाबूलाल मरांडी, राजेश पांडे, राजकुमार प्रसाद, भान प्रकाश मौर्य, मोहम्मद नौशद राजा, अनवर करीम खान, पूजा कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का आपने भ्रमण किया है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।